ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन विरोध की आग ठंडी या कम होने के बजाय तेज होती जा रही है। ईरान ने हाल के सालों में अब तक के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना किया है। इन विरोध प्रदर्शनों को ईरान की धार्मिक सत्ता के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ईरान की सरकार ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीछे मुड़कर देखें तो ईरान में किसी मुद्दे पर लोगों को, खास तौर पर देश की नौजवान पीढ़ी को, इस तरह से आंदोलित होते नहीं देखा गया था। ये वो युवा पीढ़ी है जिनके पूर्वज ईरान की व्यवस्था में बदलाव की नाकाम कोशिशें हार चुके थे। ये विरोध प्रदर्शन उन ईरानी महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं जो सरकार की जोर जबरदस्ती से परेशान है। वो इस बात से परेशान है कि सरकार उनकी जिंदगी के हर पहलू, यहाँ तक कि वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं, इस पर भी अपना कंट्रोल रखना चाहती हैं। इस आंदोलन में जो नारे और गीत सबसे ज्यादा कहे सुने जा रहे हैं, उसके बोल हैं, औरत, जिंदगी, आजादी और तानाशाह को मौत। ये नारा साफ तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई के लिए है। हाल के सालों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था कि ईरानी समाज के हर तबके के लोग इतनी बड़ी तादाद में इस मुहिम के लिए हमदर्दी रखते हों और इस तरह सड़कों पर उतरे हों। बता दें कि ईरान पुलिस ने 13 सितंबर 2022 को महसा अमीनी नाम की युवती को हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। 3 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से वहां बवाल थम नहीं रहा है और अब तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ऐसा होना फिलहाल इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहां की सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ है। लेकिन मौजूदा सरकार और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।